बॉलीवुड की लेजेंडरी कोरियोग्राफर सरोज खान अब हमारे बीच नहीं रही। श्रीदेवी और माधुरी जैसे ट्रेन डांसर इंडस्ट्री को देने वाली इस कोरियोग्राफर का जाना इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। इनकी जगह बॉलीवुड में कोई भी नहीं ले सकता। तो आज हम आपको बताते हैं इस लेजेंडरी स्टार के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग एंड अनोन फैक्ट्स। सरोज खान का जन्म 22 नवंबर 1948 में हुआ था। कम ही लोगों को पता है कि सरोज खान का असली नाम निर्मला नागपाल है। पार्टीशन के बाद सरोज खान का परिवार पाकिस्तान से भारत आ गया था। बता दें कि सरोज खान ने महज 3 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उनकी पहली फिल्म नजराना थी, जिसमें उन्होंने श्यामा नाम की बच्ची का किरदार निभाया था। सरोज खान ने कोरियोग्राफर बी सोहनलाल से ट्रेनिंग ली थी। कहा जाता है कि इसी दौरान इनके बीच प्यार हुआ था और सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने 43 ईयर्स के बी सोहनलाल से शादी कर ली थी। सरोज खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं उन दिनों स्कूल में पढ़ती थी, तभी एक दिन मेरे डांस मास्टर सोहनलाल ने गले में काला धागा बांध दिया था और मेरी शादी हो गई थी। बता दें कि शादी के बाद सरोज खान ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था और एक टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू में सरोज खान ने इस बारे में बात करते हुए कहा था, मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म ग्रहण किया था। उस वक्त मुझसे कई लोगों ने पूछा कि मुझ पर कोई दबाव तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे इस्लाम धर्म से प्रेरणा मिलती है। सरोज से शादी के वक्त सोहनलाल ने अपनी पहली शादी की बात नहीं बताई थी। 1963 में सरोज खान के बेटे राजू खान का जन्म हुआ, तब उन्हें सोहनलाल की शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात पता चला। 1965 में सरोज ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया, लेकिन 8 महीने बाद ही मौत हो गई। बच्चों के जन्म के बाद सोहनलाल ने उन्हें अपना नाम देने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच दूरियां आ गई थी। सरोज की एक बेटी कुकू भी है। सरोज ने दोनों बच्चों की परवरिश अकेले ही की थी। 50 के दशक में सरोज ने बतौर बैकग्राउंड डांसर काम करना शुरू कर दिया था। 1974 में रिलीज हुई फिल्म गीता मेरा नाम से सरोज एक स्वतंत्र कोरियोग्राफर की तरह जुड़ी, हालांकि उनके काम को काफी समय बाद पहचान मिली थी। सरोज खान ने ऑन रिकॉर्ड जाकर ये कहा था कि उन्हें इंडस्ट्री में अब कोई काम नहीं दे रहा है, जिसके बाद सलमान खान ने उन्हें उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट में काम देने का वादा किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार सरोज खान को फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान से कैटरीना कैफ की वजह से हटाया गया था। इस बारे में इंटरव्यू में सरोज खान ने कहा था कि द शूट वॉज कमिंग अप, कैटरीना टोल्ड द मेकर्स शी वुडंट डू द सॉन्ग विदाउट रिहर्सल्स एंड आई वॉज समरीली रिप्लेस्ड विद प्रभुदेवा। फिल्म फेयर बेस्ट कोरियोग्राफी अवार्ड मिलने वाली पहली रेसिपिएंट सरोज खान थी। इनफैक्ट ये अवार्ड उन्हें गाना 1-2-3 के लिए मिला था। उसके बाद सरोज खान ने हैट्रिक मारा फिल्म फेयर अवार्ड जीतने में। फ्रॉम ईयर 1989 to 1991 फिल्म फेयर का अवार्ड सरोज खान के नाम था। सरोज खान के पास 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी जीतने का रिकॉर्ड भी है। इतना ही नहीं, 3 times नेशनल अवार्ड विनर भी है सरोज खान। उन्होंने लास्ट कलंक और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में काम किया था। सरोज खान को ब्रीदिंग डिफिकल्टीज के चलते एडमिट किया गया था ऑन June 20th। और जानकारी के मुताबिक सरोज खान ने 2 जुलाई देर रात करीब 1:52 पर आखिरी सांस ली। वेल इस ग्रेसफुल एंड टैलेंटेड कोरियोग्राफर को हर कोई मिस करेंगे। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे।